ग्वालियर के यूनिवर्सिटी थाना इलाके में स्थित बत्रा साड़ी हाउस पर देर रात चोरों ने हाथ साफ करते हुए दुकान के गले से करीबन 7 लाख रुपए और चांदी का एक गुच्छा पार किया है। सोए व्यापारी को जब चोरी के मामले की जानकारी हुई तो यूनिवर्सिटी थाना पुलिस को अवगत कराया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल की और कुछ सीसीटीवी फुटेज भी चेक किए, जिसमें 2-4 शोरूम के अंदर जाते हुए चोरी निकलकर आते हुए बाहर आते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं। चोर शोरूम के पीछे रास्ते से दुकान में घुसे और वापस उसी रास्ते पर निकल गए। पुलिस ने शोरूम संचालक प्रतीक बत्रा की शिकायत पर चोरी का मामला दर्ज करते हुए सीसीटीवी में कैद हुए आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। ये विश्वविद्यालय में कल एक चोरी का रजिस्टर की गई है, एफआईआर की गई है, जिसमें कि फरियादी जो कि बत्रा साड़ी सेंटर है पटेल नगर में, उसके द्वारा ये बताया गया था कि उसके यहाँ जो फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर में जो ड्रॉज है उसमें से पैसा निकला है और जो लगभग 6 से 8 लाख रुपए उसका निकला है और एक चांदी का एक कोई उसका वास्तु का एक आइटम गया है। उसमें एफआईआर रजिस्टर कर ली गई है। इसमें जो यूनिवर्सिटी की टीम के द्वारा जो पुलिस के द्वारा इसमें लगातार सीसीटीवी फुटेज देखे जा रहे हैं, उसमें ये पाया गया है सीसीटीवी फुटेज में आसपास के जो सीसीटीवी फुटेज आए हैं उसमें बगल के जो साइड में जो मकान है, मकान के अंदर से वो और उसको जो शीशा है उसकी ग्रिल तोड़कर अंदर घुसे हैं। उन्होंने किसी भी सामान को टच नहीं किया है, केवल उनके ड्रॉज में से पैसा निकाल कर और वो लोग चले गए हैं। इसमें जो सीसीटीवी फुटेज में आए हैं, 2 लोग फुटेज में आए हैं, हमारी टीम लगी हुई है, क्राइम ब्रांच की भी टीम लगी हुई है, जल्दी ही इसमें इस चोरी का खुलासा किया जाएगा।